हेलो फ्रेंड, आज हम सीखेंगे अध्याय 5 प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है। उससे पहले हम बता दें, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देख लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। अध्याय 5 प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं, अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। तो पहला दिया हुआ है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो ये हमको पता है, तो इसका हल क्या हो जाएगा, एक बिंदु से हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। हमने माना ये कोई बिंदु है, इससे हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, इससे हम अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, जैसे कि एक रेखा। इसी प्रकार हम देख लेंगे, दो रेखाएं, तीन रेखाएं, चार रेखाएं, इसी प्रकार हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। तो हमको कारण बताना है, क्या लिखेंगे, यह बिंदु से होकर अनेक रेखाएं जा सकती हैं, यानी एक बिंदु से होकर अनेक रेखाएं जा सकती हैं। नीचे दी गई आकृति में बिंदु हमारे क्या माना था, वो मान लिया, ठीक है, बिंदु ओ से अनेक रेखाएँ गुजर रही हैं, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा है, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं, ये कथन क्या होगा, असत्य होगा, क्योंकि हमको पता है, अगर हमने दो बिंदु माने, एक ये बिंदु माना, दो, इन दोनों बिंदु को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे, क्या कर देंगे, मिला देंगे, इन बिंदु से होकर कितनी रेखाएं जाएंगी, केवल केवल एक ही रेखा जा सकती है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे उत्तर में, हल में क्या लिखेंगे, ये कथन असत्य है, क्योंकि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखाएं सिर्फ एक ही होती है, नीचे दी गई आकृति में आप देख सकते हैं। तो आकृति हमने ऊपर बना दी है, ठीक है। कथन नंबर तीसरा है, एक शांत रेखा दोनों रेखाओं से अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, तो ये हमारा कथन क्या होगा, सत्य होगा, क्योंकि हमने खींची एक रेखा, ए बी रेखा, ठीक है, इसको अनिश्चित रूप से हम क्या बढ़ा सकते हैं, इस साइड भी बढ़ा सकते हैं, हम इस साइड भी बढ़ा सकते हैं। तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे, यह कथन क्या है, सत्य है, क्योंकि यूक्लिड की अवधारणा दो के अनुसार एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। तो हमने अवधारणा हमने पढ़ाई है पिछले वीडियो में, ठीक है, तो आप ये पिछले वीडियो जरूर देख लें, ठीक। कथन नंबर चौथा है, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, तो ये क्या है, बराबर होती हैं, तो ये कथन क्या है, सत्य है। कैसे, अगर हमने कोई क्या माना, वृत्त है, हमने माना कोई वृत्त, ये हमारा कोई वृत्त है, ठीक है। अब क्या कह रहा, दो वृत्त बराबर हैं, तो अगर इसी के हम ऊपर एक साइज के दोनों वृत्त हैं, तो इसी के अगर ऊपर हम एक वृत्त और बना दें, ठीक है, तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे वृत्त, तो त्रिज्याएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो हम किस तरह लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये कथन क्या है, सत्य है, क्योंकि एक वृत्त को दूसरे वृत्त पर अध्यारोपित किया जाए, यानी एक दूसरे पर रखा जाए, ठीक है, तो क्या होंगे, संपाती होते हैं, क्या होंगे, संपाती होंगे। इस प्रकार इनकी त्रिज्याएं भी क्या होंगी, संपाती, यानी कि बराबर होंगी, ठीक है। इस प्रकार यूक्लिड की अभिग्रह चौथे के अनुसार जो वस्तुएं संपाती होती हैं वे परस्पर बराबर होती हैं, तो इनकी त्रिज्याएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है, यही हमको लिखना है। कथन नंबर पांचवा है, आकृति में यदि ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई है तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा, तो ये कथन क्या है, सत्य है। कैसे, ए बी बराबर पी क्यू और एक्स वाई बराबर, यानी तीन हमारी क्या हैं, रेखाएं हैं, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ये कथन क्या है, सत्य है, क्योंकि यूक्लिड के प्रथम अभिग्रह के अनुसार वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों परस्पर क्या होती हैं, बराबर होती हैं, यही हमारा आंसर हो जाए।
क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? तो हमको कुछ परिभाषाएं पूछ रहे हैं, ठीक है। तो पहली हमारी है समांतर रेखा, इसकी परिभाषा पूछ रहा है। हम क्या लिखेंगे, वे दो रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं जो आपस में प्रच्छेद नहीं करती हैं। जैसे हमने क्या माना, दो रेखाएं एक दो, तो यानी कि एक दूसरे को कभी मिलेंगी नहीं, ठीक है। तो क्या कहलाएंगी, समांतर रेखाएं कहलाएंगी, ठीक है। दूसरी परिभाषा क्या है, लंब रेखा। क्या पूछ रहा है, लंब रेखा, तो वे रेखाएं जो एक दूसरे को समकोण बनाती हैं। जैसे हमने माना कोई रेखा एक ये, एक हमने उस पर लंब डाल दिया, तो ये क्या बना दिया, 90 अंश का कोण, समकोण बना दिया, ठीक है। तो वे रेखाएं जो एक दूसरे को समकोण बनाती हैं तो क्या कहलाती हैं, लंब रेखा, ठीक है। तीसरी परिभाषा है रेखाखंड। क्या पूछ रहा है, रेखाखंड, तो रेखा का वह भाग जिसके अंतः बिंदु ए और बी हों, ठीक है। हमारी कोई रेखा है, उसके बिंदु क्या हैं, ए और बी, ठीक है। इन दोनों बिंदु के बीच का ये जो भाग है, ठीक है, तो क्या कहलाता है, रेखा खंड, यानी रेखा का जो बीच का भाग है वो क्या कहलाएगा, इन दोनों के बीच का भाग रेखा खंड कहलाएगा, ठीक है। तीसरी है परिभाषा वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। तो केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। हमारा कोई वृत्त है, ये हमने माना कोई वृत्त है, ठीक है। केंद्र हमारा ये हो गया, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। परिभाषा खाली पूछ रहा है, ठीक है। वर्ग, वर्ग की परिभाषा क्या होगी, वह चतुर्थांश जिसके चारों भुजाओं बराबर हों तथा प्रत्येक समकोण हो। क्या हो, वर्ग क्या होता है, जिसके चारों भाग क्या हों, बराबर हों। जैसे ये दोनों बराबर हैं आमने सामने, ये दोनों बराबर हैं, चारों भाग क्या हों, बराबर हों, ठीक है। और क्या बना, प्रत्येक कोण क्या हो, 90 अंश का हो, ठीक है। ये कोण क्या हो, 90 अंश का, तो क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का ही पार्ट है, इन परिभाषाओं को समझने के लिए हमें निम्नलिखित पदों की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमारे तीन मेन मेन हमने पार्ट निकाले हैं, रेखा कोण और वृत्त की परिधि, इनकी परिभाषा है, हमसे नहीं पूछ रहा था तो हम बताएंगे अलग से, ठीक है। तो रेखा की परिभाषा क्या होगी, एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है, यानी कि जो हमारी रेखा है, मान ली एक भी हमारी रेखा है, ठीक है, उसकी क्या होगी, रेखा की लंबाई तो होती है पर चौड़ाई नहीं होती, यही हमारी रेखा की परिभाषा हो जाएगी। कोण की परिभाषा क्या होगी, एक उभयनिष्ठ बिंदु, हमने माना कोई उभयनिष्ठ बिंदु ये है हमारा बिंदु, ठीक है, उभयनिष्ठ बिंदु वाली दो किरणों का सम्मिलन कोण कहलाता है, यानी कि हमारी उभयनिष्ठ बिंदु से दो रेखाएं, यानी कि दो बिंदु दो किरणें को मिल जिस जगह मिलेंगी तो उससे हमारी कोण बनाएंगी, ठीक है। तो वो कोण क्या कहलाएगा, वो सम्मिलन कोण कहलाता है, उसको हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। वृत्त की परिधि की परिभाषा क्या हो जाएगी, वृत्त का परिमाप, वृत्त का क्या, हमने वृत्त एक बना दिया, ठीक है, ये वृत्त का परिमाप अथवा वृत्त की लंबाई, ये वृत्त की लंबाई ही परिधि कहलाती है, ये हमारी क्या है, परिधि है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा तो समाप्त हुआ, अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर तीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल फ्री कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।